भाइयों बहनों, गौ तस्करी और अवैध बूचड़ खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। हमारी सरकार ने तो न केवल अवैध बूचड़ खाने बंद किए, बल्कि हमारी सरकार ने भाइयों बहनों जितने भी निराश्रित गौवंश थे उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। पहले गौ तस्करी होती थी, अवैध बूचड़ खाने चलते थे, आज गौ तस्करी नहीं, आज तो भाइयों बहनों गौ सेवा का कार्य करके भारत की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से गौ हत्या के कलंक को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। ये बदला हुआ प्रदेश आज इसीलिए विकास की प्रक्रिया के साथ आगे जुड़ा है।